स्किलर वेबसाइट से इसके ज़रिए हम जो है वो आसानी से जो है अपना कैपेबिलिटीज़ और डॉकर्स वगैरह को चेकआउट कर सकते हैं। अभी मैं गिटहब की साइट पर मौजूद हूँ और अपने जीमेल अकाउंट के ज़रिए गिटहब या गिटलैब या ईमेल एड्रेस के ज़रिए आप इसको साइन इन कर सकते हैं, साइन अप कर सकते हैं। फ्री एरिया है, कुछ टाइम के लिए आपको 1 मिनट के लिए आपको फ्री दिया जाता है। उसको परचेज करना चाहते हैं तो प्राइसिंग लिस्ट अवेलेबल है, प्राइसिंग लिस्ट के अंदर आप चेक कर सकते हैं कि क्या प्राइजेस हैं इसके। फ़िलहाल हम जो है अभी इस वक्त हम आसानी से जो है अपना फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं, तो ये लॉगिन करने के लिए मैं लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो ये लॉगिन के ऊपर हम ऑलरेडी यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो अभी मैं इसको अपने जीमेल एड्रेस से जो है वो लॉगिन कर रहा हूँ। तो लॉगिन करने के बाद हम अभी अपना हमने ईमेल एड्रेस चूज़ किया है। ईमेल एड्रेस चूज़ करने के बाद हम इस पर डायरेक्टली आ गए और ऑथेंटिकेशन जो प्रोसेस के अंदर हमारा पर आ गया कि अभी हम इसको क्या यूज़ करना चाह रहे हैं। तो इसमें कितनी सारी चीज़ें मौजूद हैं कि ओरिगो फ्लेवर, कीबरबीट कौन है, लिनक्स कीबेटिक कम्युनिटीज़ एंजेनिक्स और बहुत सारी चीज़ें। फिलहाल वक्त हम इसके अंदर चेकआउट कर रहे हैं डॉकर्स को। तो डॉकर्स के अंदर हम स्टार्ट करने के बाद जो है ना अभी अपना एक वर्चुअल एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे, तो इजीली हम इसमें डॉकर्स की कमांड्स को रन करके और हम अपने सिस्टम को चेक करेंगे कि डॉकर्स की कमांड को किस तरह से इसमें चलाया जा सकता है। तो ये मैंने अभी इसमें क्लिक करा है और ये हमारे लिए इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा है। इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप इसको पहले पढ़ लीजिएगा, लेकिन ये कि मैं क्विक व्यू के जरिए आपके टाइम ना वेस्ट करते हुए इसको डायरेक्टली रन कर रहा हूँ, तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। ये अभी देखिए हमें वर्चुअल क्रिएट इन्वायरमेंट टर्मिनल बना कर दे देगा कि हम इसमें किस तरह से जो है ना वो हम चेक कर सकते हैं। तो अभी हम अपना ये सर्वर हमारा स्टार्ट हो जाएगा, तो ये थोड़ी देर के अंदर जो है यहाँ पर डिस्प्ले आउट हो जाएगा कि भाई हम किस तरह से कर रहे हैं। अभी देखिए वर्चुअल इन्वायरमेंट हमारा जो है वो स्टार्ट हो गया V1.2 का। अब हम चेक कर सकते हैं जैसे PWD, ठीक है, बूट पे खड़े हैं इस वक्त। अभी आप डॉकर कमांड चेक कर सकते हैं, डॉकर वर्जन चेक कर सकते हैं, डॉकर -B तो हमें बता देगा अभी इस वक्त के डॉकर के कौन सा वर्जन अभी हम इस वक्त जो हम वर्चुअल सिस्टम के ऊपर हमारे चला रहे हैं। यहाँ पर हम प्ले लिस्ट के ज़रिए हम ये चेक कर सकते हैं कि डॉकर्स की हम कमांड्स कौन कौन सी हैं। तो हम सर्च बार पर हम जाके ईजीली हम डॉकर्स की कमांड्स को चेक कर सकते हैं कि डॉकर्स की कौन कौन सी कमांड्स हैं। पुल, रन, PS, स्टॉप और रीस्टार्ट। क्रेडेंशियल डॉकर्स की कमांड्स को हम चेक करने के लिए बहुत सारी वेबसाइट्स अवेलेबल हैं जहाँ पर हम इसको चेक कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादा अच्छा है कि हम वहाँ पर करें। अभी से डॉकर रन कमांड है, डॉकर PS कमांड है, तो अभी हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं कि डॉकर्स को डायरेक्टली रन चेक करने के लिए कि डॉकर रन कमांड यूज टू स्टार्ट अ न्यू डॉकर कंटेनर फ्रॉम द इमेज और डॉकर PS डिमांड लिस्ट रनिंग डॉकर कंटेनर्स, डॉकर स्टॉप यूज टू बी स्टॉप कंटेनर्स। बहुत सारी कमांड्स हैं इसमें, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ना। तो अभी हम एक अपनी वर्जन कमांड को हम चेक कर चुके हैं, पुल कमांड को अभी हम चेक कर रहे हैं। इसके लिए बेहतर तरीका ये कि अभी हम कोई इमेज को डाउनलोड करके चेक करना चाहते हैं तो डॉकर की वेबसाइट पर चले जाते हैं और वहाँ पर हम चेक करते हैं कि जो ऑफिशियल वेबसाइट है डॉकर की, तो वहाँ पर हम इमेजेस को किस तरह से चेक कर सकते हैं। तो ये डॉकर्स की हम प्ले विद डॉकर्स की वेबसाइट से हम पहुँच चुके हैं। तो अभी हम कोई इमेज को पुल करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख सकते हैं डॉकर पुल इमेज। अभी तलाश करेंगे तो डायरेक्टली हमें जो है ना पुल इमेज डॉक्यूमेंटेशन की तरफ लेके चला जाएगा कि अभी जो है ना कौन कौन से जो हम साइट्स के ऊपर अवेलेबल जो डॉकर्स की जो इमेजेस वगैरह अवेलेबल हैं। तो डायरेक्टली हम वैसे भी तलाश कर सकते हैं डॉकर इमेजेस। तो ये हम आगे डॉकर कंटेनर इमेज कंटेनराइज एप्लीकेशन की साइट्स पर आ गए डॉकर की, जहाँ पर इमेजेस जो ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस अवेलेबल हैं। अभी मैं अगर कोई यहाँ पर सर्च करना चाहता हूँ जिसे भी एंजिनिक्स का था ना, एंजिनिक्स, ये एंजिनिक्स आ गया। अभी देखें कि एंजिनिक्स को पुल करने के लिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, डॉकर पुल एंजिनिक्स। अभी इसको यहाँ से सिंपली हम कॉपी करते हैं और अपने बिल्ड किलर प्रोडक्ट की साइट पर आके और यहाँ पर लाके इसको हम पेस्ट करते हैं। तो अभी हमें जो है ना वो हमारा जो है एंजिनिक्स का जो कंटेनर है वो उसको पुल कर लेगा डॉकर्स की वेबसाइट्स के जरिए यूजिंग डिफॉल्ट टैग लेटेस्ट, उसको उठा रहा है और अभी इस पर वर्किंग स्टार्ट हो रही है। अभी बेसिकली हमें जो फ्री जो टाइम दिया जाता है वो 58 मिनट्स का, यानी कि 1 आवर्स के लिए होता है। अभी देखिए हमारे फ्री साइट्स के ऊपर जो ईजिली जो है ना वो उसको अपलोड कर रहा है डायरेक्ट डॉकर्स की वेबसाइट के ऊपर ऑफिशियल इमेज इंजिनिक्स का, वो यहाँ पर रन होके हम आ रहा है। अब इसको हम चेक भी करेंगे कि अभी हमारे पास कौन कौन से इमेजेस और जो हमारे पास अभी अवेलेबल है, तो हम चेक करेंगे अभी अपनी साइट को जैसे ही हमारे पास ये अपलोड हो जाता है।
ये देखिए यहाँ पर अपलोड करने के लिए तथा रन इमेज फ्रॉम इमेज रन इमेज एक्सप्लोर्टिंग एक्सटर्नल पोर्ट के जरिए तमाम चीज़ की डॉक्यूमेंटेशन इजीली यहाँ पर अवेलेबल है कि आप किस तरह से जो है उसकी एमएल फाइल बना सकते हैं या क्या कर सकते हैं। तो एक एक तरीके कार इजीली यहाँ पर बहुत आसानी से समझाया गया है कि अगर आप विदाउट टीचर्स भी आप करना चाहें तो डॉकर इमेज के ऊपर आ सकते हैं। अभी हमारा जो वो इमेज अपलोड हो गया है, अब हम इमेज चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, नो टीचर रिक्वायरमेंट आप ये चेक करना चाहें डॉकर इमेज चेक इन टर्मिनल, डॉकर इमेज ls लिखना पड़ेगा हमें कमांड, ठीक है। ये चीज़ मैं डायरेक्टली बता सकता था लेकिन आपको ये बताने का मकसद ये है कि ताकि आप इजीली जो है वो खुद से भी जो है वो डॉकर्स को सीखना चाहें तो यहाँ पर सीख के इजीली कर सकते हैं। डॉकर इमेज ls जैसे करेंगे तो भी हमें बता देगा। एंजिनिक्स का अभी हमने जो है वो लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड किया जिसका साइज़ है 187। उम्मीद है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। बकाया और इमेज डाउनलोड करना और कंटेनर बना के इसको रन करना चलाना हम अपनी नई वीडियो के अंदर इसको सीखेंगे। फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।